Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कराची में नियाकताबाद पुल पर ऑयल टैंकर हादसे का शिकार हो गया। दीवार से टकराने के बाद टैंकर का तेल बह गया, कई मोटरसाइकिल सवार फिसल गए। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके टैंकर को हटा दिया। के साथ जो हुआ है वो माल कान की वजह से, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये एक साजिश है। रायगढ़ में निजी टेक्सटाइल मिल के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर हंगामा आए। मैनेजर को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कातिल कर दिया गया। 21 मुलाजमीन गिरफ्तार। नवाज को मिल में करप्शन का पता चला था, कत्ल इसलिए किया गया कि वो मालिकान को ना बता दे। मकतूल के दोस्तों का इल्जाम। पतोकी में आवाम का रखवाला ही लुटेरों का साथी निकला। पुलिस ने छापा मारकर कांस्टेबल समेत 5 डाकू गिरफ्तार कर लिए। नकदी, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में हाजिर सर्विस पुलिस कांस्टेबल भी शामिल। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी। 20 अफराद जेर हिरासत। मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। एजेंसी से बाजियाब कैनेडियन जोड़ा भी पाक फौज के गुण गाने लगा। जोशवा बोल कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन इंतहाई मुतासिर कुन और इंतहाई प्रोफेशनल था। कार गोलियों से छलनी हो चुकी थी, ताहम पाक फौज ने बचा लिया। अगवाकारों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। And so I can say to you, I did see the truth. And the truth was that the car was riddled with bullets. The ISI and the army got between the criminals and the car to make sure that the prisoners were safe and my family was safe. जम्हूरियत को पाक फौज से कोई खतरा नहीं, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की बातों में कोई सदाकत नहीं। एहसन इकबाल के बयान पर दुख हुआ। फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं कि मायूसी को उम्मीद में बदलना होगा। सिविल और अस्करी क्यादत को एक पेज पर होना चाहिए।